नमस्कार छात्रों, आज हम आधुनिक कविता में से दूसरा कविता गहन गहनी इस पद्य के बारे में आज हम जानेंगे। इस पद्य के रचयिता का जो है वो है कुबेर जी, सॉरी डॉक्टर एम मेमना जी, इसके रचयिता है। और इन्होंने वड़वे वड़ नामक जो कुबेर जी द्वारा रचित वड़वे वड़ नामक जो पद्य है गहनी नाम है। और कुबेरपूजी जो है वो कर्नाटक में कन्नड़ के महान कवि माने जाते हैं। इनके पूरा नाम, इनका पूरा नाम है उपनय वेंकटप्पना वर्मा कुट्टप्पा, उनका पूरा नाम है। और इनकी महाकाव्य जो है रामायण दर्शन, उनका महाकाव्य है। बहुत सारे इन्होंने रचनाएं लिखी है, कहानियां लिखी है, पुस्तक लिखी है। और डॉक्टर एम मेमना जी जो है इस वड़वे वड़ नामक पद्य को अनुवादित करते हुए गहनी नामक यह पद्य रचाया है। और डॉक्टर एम मेमना जी जो है इनको भी हिंदी सेवा सम्मान से, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार से, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है इनको। और बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कार्यरत कर रहे हैं डॉक्टर एम मेमना जी। और इन्होंने इस पद्य को जो रचाया है गहने के वड़वे वड़ यह नन्हे इस कविता संकलन से इसे चुना गया है। प्रस्तुत इस कविता में हम देखते हैं गहने गहने यानी कि किसे पसंद नहीं है। गहने लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, औरतें बहुत पसंद करती हैं, माँ बहुत पसंद करती हैं, बेटे बहुत पसंद करती हैं। यानी कि इस कविता में गहनों की जो कीमत है वो कीमत कैसे होती है, माँ बेटी का संबंध किस तरह से होता है, माँ बेटी का जो संबंध है वह गहनों से भी ज्यादा गहरा संबंध है। इसलिए इस गहरे संबंध को दर्शाने की एक छोटी सी प्रयत्न इस कविता के जरिए डॉक्टर मेमना देवी ने की। प्रस्तुत हम इस कविता में हम देखते हैं कि जो माँ होती है वह माँ अपनी बेटी को गहने पहनाना चाहती है, लेकिन बेटी जो है उस गहने से गहने को पहनने के लिए इनकार करती है। और वह कहती है कि गहने जो है पहनने से वो मुझे तकलीफ देती है, गहना मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे तकलीफ देती है, खेलने के लिए वह मुझे बहुत ही तकलीफ देती है, इसलिए मैं गहना नहीं चाहती है। सुंदर दिखना है वो किसे दिखना है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इस तरह से बेटी कहती है। लेकिन माँ जो है माँ का प्यार बहुत घात होती है, माँ अपनी बेटी को बहुत सुंदर दिखाना चाहती है, बहुत सुंदर बनाना चाहती है, माँ अपनी बेटी को नया कपड़ा पहनना चाहती है और नए गहने पहनना चाहती है। लेकिन बेटी उसे इनकार करते हुए कहती है माँ मैं तुम्हारी गहना हूँ और तू मेरी गहना है। इस तरह से माँ बेटी का जो सम्मान चलती है उस सम्मान को इस पद के जरिए हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गहना गहने इस पद। सोने के गहने क्यों करना तकलीफ देते हैं, नहीं जाएंगे वहां रंगीन कपड़े पर मां मिट्टी में खेलने नहीं देते वहां ताकि दिखाए वो सुंदर बहुत ही सुंदर। क्यों कहती हो सुंदर कहो, सॉरी सुंदर लगे किसको कहो मां, देखने वालों को लगता है सुंदर देखा है ना, मगर मुझे बनता है
बड़ा बंधन। मेरा यह वचन तुम्हारा पात्र यही कहने है मेरे लिए मां, मैं तुम्हारा कहना मेरा कहना, फिर अन्य कहने क्यों चाहिए मां। इस तरह से पद जो है यह पद 114 पेज नंबर में कन्नड़ में भी किया गया है। देखिए सिर्फ एक बार देख लीजिएगा कि वटके कर चिंता का वटके कर लेके अम्मा तंदरे करो बेड़ा बन्ना का वटके कर लेके कि अम्मा मंडी नोड़ा कर लो बेड़ा माँ चंद के यंत्र अम्मा चंद को क्या है ये बेड़ा माँ नोड़ो बदी के चंद को आनंद आड़ो को ये ना किधर बदुबद ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯತನ ನೀತಿ ತೈತನ ಎರಡೇ ಒಳಗೆ ಬಳಮ್ಮ ನಾ ನಿನ್ನ ಒಳವೆ ನೀ ನನ್ನ ಒಳವೆ ಬೇರೆಯ ಒಳವೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ವಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೋನೆ ಗೆಹನೆ ಕ್ಯೂ ಕರ್ಮ सोने के गहने जो होते हैं वो बहुत ही कीमती होती है। सोना जो होती है उसकी कीमत बहुत होती है, बहुत होती है, यानी कि जिसके आमतौर पर हम ऐसे गहने जाके खरीद के आए ऐसा नहीं। गहना अगर हमें चाहिए, गहने अगर हमें लेना है तो उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही पैसे खर्चे यानी कि सस्ता नहीं होती है। आजकल तो गहने का कीमत बहुत ही बढ़ गया है, यानी कि सोने का भाव बढ़ा है, तो उससे बने हुए जो गहने होते हैं उनके भाव भी बहुत ही बढ़ते हैं, यानी कि आमतौर पर उसको उसकी कीमत बहुत होती है। सोने के गहने ऐसे सोने के गहने माँ क्या कर रही है, अपनी बेटी को पहनना चाहती है, बेटी को गहना डालना चाहती है, गहना पहनाना चाहती है। यहाँ पे लड़की बोलती है सोने के गहने कुकर्म, सोने के ही गहने क्यों है, सोने के गहने नहीं चाहिए, तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ, सोने के जो गहने हैं वो मुझे क्या करती है तकलीफ देती है। सोने के गहने क्यों करना तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। यहाँ पे बेटी बोल रही है मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, मुझे गहना घर में जो है उसे पहनना नहीं है, मुझे सोने के गहने क्यों, वो मुझे अगर पहना होगी तो उसको गहने को पहनने पहनने से मुझे क्या हो जाती है लगाटियां मारते हुए इधर उधर करके, यानी कि
जा रहे हैं और रास्ते में या बस में एक माँ अपने बेटे
जानकारी।